नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल नॉलेज में। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो पिछला चैनल है गवर्नमेंट ITI अपडेट है, उसके ऊपर कुछ टेक्निकल इश्यू चल रहा है, जिसके कारण जो है ये नया चैनल बनाया हुआ है ITI टेक्निकल नॉलेज। तो आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट जो भी अपडेट्स है आपकी रिगार्डिंग ITI की, किसी भी जॉब की इंफॉर्मेशन, एग्जाम से रिलेटेड या इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड, तो वो सभी आपको इस चैनल के थ्रू जो है रेगुलर मिलती रहे। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ऑल नोटिफिकेशन में, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका जो है नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे रेगुलर। तो साथियों, बताना चाहूंगा कि ITI के लिए जो विद्यार्थी के लिए जो एक और वैकेंसी यहाँ पर आज निकल के आई है, तो उसी के ऊपर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर जो है वैकेंसीज निकली हुई है इलेक्ट्रिशियन के लिए। तो विद्युत सेवा आयोग जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसके अंदर आपके जो है यहाँ पर वैकेंसीज निकली है। तो यहाँ पर पद संख्या, पद कोड देख सकते हैं आपका 826 है, पद का नाम है टेक्नीशियन विद्युत। तो 246 तो यहाँ पर अनारक्षित है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 164 वैकेंसीज है, अनुसूचित जाति के लिए 127 और अनुसूचित जनजाति के लिए 12, और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर 60 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि आवेदक करने वाले विद्यार्थी के पास आधार कार्ड होना जो है या पहचान पत्र होना अनिवार्य है यहाँ पर। तो विज्ञप्ति के अंदर जो लिखा गया कि इसकी जो आवेदन की जो संख्या अधिक होने की स्थिति में जो आपका टेस्ट यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा करवाई जाएगी, एक से अधिक जो है दिन के अंदर, एक या दो दिन के अंदर। तो CBT यहाँ पर आपका जो है एग्जाम यहाँ पर बताया गया है कि इसका एग्जाम जो आपका CBT होगा। और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि और इसके अंदर क्या बात की गई है, जो इसकी वेतनमान भी यहाँ पर बताया गया कि मैट्रिक्स लेवल 4 रहेगा आपका, 27,200 रुपये जो न्यूनतम होगा, अन्य भत्ते वगैरह अलग जो बनकर इसकी पूरी जो है सैलरी वगैरह यहाँ पर बनेगी। तो इसके लिए अनिवार्य जो योग्यता यहाँ पर बताई गई है साथियों, कि माध्यमिक प्रशिक्षा परिषद द्वारा जो स्कूल या समकक्ष विज्ञान या गणित विषयों में आपका जो है उत्तीर्ण होने के साथ साथ नियमित रूप से जो विभिन्न ट्रेड आपकी, जैसे इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल कौशल विभाग के अंतर्गत विद्युत वितरण के अंदर जो आती है, वो आपकी NCVT या SCVT होनी चाहिए। 2 वर्ष का जो कोर्स होता है आपका, तो यहाँ पर NCVT या SCVT ही दोनों कोई भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट। और अधिकतम जो यहाँ पर आयु की बात की गई है, न्यूनतम 18 है और अधिकतम जो आपकी 40 वर्ष रहेगी। और जो छूट वगैरह है वो एज पर जो रूल्स रहती है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और उसके बाद बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो फीस है साथियों, आवेदन शुल्क यहाँ पर नॉन रिफंडेबल रहेगा आपका। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हैं जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, इसके अंदर यहाँ पर 700 रुपये रहेगी, और अन्य जो समस्त श्रेणी उन सभी के लिए जो यहाँ पर 1,000 रुपये का जो आवेदन शुल्क रहेगा। और आवेदन शुल्क है जो आपका नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, किसी भी तरह से आप इस माध्यम से कर सकते हैं। और जो इनकी जमा करने की जो विधि है, ये वेबसाइट विधि है www.uppcl.org पर जो आप यहाँ पर उपलब्ध रहेगा आपका। उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वो सारे यहाँ पर बताए गए, क्या क्या लिस्ट है आपकी। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा साथियों, यहाँ पर जो है आपका जो टेस्ट होगा वो आपका यहाँ पर लिखित परीक्षा के अंदर होगा। तो उसके अंदर ये आपके यहाँ पर दिए भी हुए सामान्य अध्ययन जो सिलेबस वगैरह दिए हुए हैं, कुल जो है अधिकतम जो है यहाँ पर 200 नंबर का होने वाला आपका। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर सामान्य अध्ययन, एम तार्किक ज्ञान दिया हुआ, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी व तकनीकी जो विषय ज्ञान यहाँ पर 150 प्रश्न होंगे उसके, और बाकी के जैसे यहाँ पर सामान्य अध्ययन के और तार्किक ज्ञान के 20 हैं, और हिंदी और अंग्रेजी के यहाँ पर 15-15 जो है यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। तो कुल 200 नंबर की जो यहाँ पर आपकी परीक्षा होने वाली है। तो उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि जो यहाँ पर आपकी जो है मेरिट भी बनकर तैयार की जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अप्लाई कैसे करें इसके अंदर, तो इनकी जो वेबसाइट है UPPCL.org को आपने ओपन करना है, और वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन टेस्ट अगेन एडवर्टाइजमेंट ये इस तरह से आपका लिखाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल। तो उसके ऊपर आपने जाकर आवेदन करना है और अपना जो है फॉर्म यहाँ पर सबमिट कर देना है। और प्रवेश पत्र के लिए जो एडमिट कार्ड है वो आपको वेबसाइट के ऊपर ही आपको अवेलेबल होगा, अलग से कोई आपको यहाँ पर सेंड नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो मेन जो यहाँ पर डेट्स वगैरह दी हुई है, जो ऑनलाइन जो आपका आवेदन की तिथि होगी वो 1 जुलाई से 22 जुलाई तक रहेगी यहाँ पर, और जो फीस भरने की भी तिथि आपकी इतनी ही रहेगी, 1 जुलाई से जो है 22 जुलाई तक। और जो चलान वगैरह अगर किसी ने चलान के थ्रू अगर कोई जो भरता है फीस, तो उसके लिए 24 जुलाई यहाँ पर 2020 जो अंतिम तिथि रहेगी। और जो परीक्षा की जो संभावित जो अवधि बताई गई है, अगस्त का जो
द्वितीय सप्ताह रहेगा, तो उसके अंदर जो है यहाँ पर आपकी परीक्षा की करवाई जा सकती है साथियों। तो ये देख सकते हैं आज का ही जो लेटर जारी किया गया है 17 जो है जून का, तो सभी साथी जो भी उत्तर प्रदेश से स्पेशल जिन्होंने की हुई है तो वो तो जरूर ही इसको अप्लाई करें। और यहाँ पर कुछ पूछताछ के लिए अगर साथियों आपको कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर ईमेल आईडी भी दी हुई है कि helpdesk322tech@gmail.com पर भी जो है आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं अपनी मेल आईडी पर आप मेल करके, अगर आपको कोई भी जो है दिक्कत आती है किसी तरह की फॉर्म भरने में। तो साथियों तो जरूर इस फॉर्म को जरूर आवेदन करें, स्पेशली उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी है सिविटी एनसीटी से जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन का जो है आईटीआई से किया हुआ है, तो उनसे भी काफी अच्छी सूचना है। अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं जनरल में। तो साथियों इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन करके, और वीडियो को लाइक तो कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा साथियों शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो है सभी साथ जो विद्यार्थी हैं उन सभी तक ये सूचना पहुंचे और वो भी जो है समय रहते ही इस फॉर्म को जो है अप्लाई जरूर करें। तो साथियों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां से आप हमें जो अगर आपको कोई कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप हमें जो है चैट कर सकते हैं साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सभी का, अपना प्यार बनाए रखिएगा और इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद साथियों।